हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.5 का जो 13th नंबर का क्वेश्चन है ना, इसे सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ पर हमें क्या बोला जा रहा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर जीरो हो तो हमको ये बताइए कि एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब इक्वल टू 3xyz हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आप, एक्स का क्यूब, वाई का क्यूब, जेड का क्यूब इस तरीके से आ गया ना। तो सिंपल आप क्या करो, जो आइडेंटिटी नंबर 8 है हमारा, जिसका हमने यूज क्वेश्चन नंबर 12 में किया था, 11 में किया था, सेम वही आइडेंटिटी का, वही फॉर्मूला का यूज करो और इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ये कैसे सॉल्व करना मैं आपको कॉपी में समझा देता हूँ, और अगर आपने प्रीवियस के वीडियोज नहीं देखे क्वेश्चन नंबर 12 तक, अगर आपको किसी भी नेक्स्ट क्वेश्चन में डाउट है तो उनका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से जाकर के आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लेना। तो अभी स्टार्ट करते हैं और इसे सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप इस तरीके से लिख लो कि हमको क्वेश्चन में एक्चुअल में दिया क्या गया है। तो गिवन करके लिख लो कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमको जीरो दिया गया है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी। हम जानते क्या है कि हमारा जो फॉर्मूला है, एक्स का क्यूब, वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz, वो ये होता है। ये हमारा आइडेंटिटी नंबर 8 है, उसको मैं फॉर्मूला भी कहता हूँ। तो ये आप फॉर्मूला कर लो, आइडेंटिटी कर लो, बात एक ही है। तो अब हम क्या करेंगे ना कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह पर जो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है ना, इसमें हम क्या करेंगे, जीरो पुट कर देंगे। तो ये हमारा किस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू, इन तीनों को जब प्लस करोगे तो आंसर कितना आने वाला है, जीरो आने वाला है, जब क्वेश्चन में दे दिया गया है। तो इसके बदले आप क्या करोगे, जीरो लिख दोगे। तो इधर हमारे पास जो बचा हुआ है उसको उतार लो, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस में जेड एक्स। अब हम क्या जानते हैं कि यहाँ पर बीच में कोई भी साइन नहीं, यानी कि मल्टीप्लाई की साइन है, और जीरो से अगर किसी भी नंबर का आप मल्टीप्लाई कर लो, चाहे वो कितना हो, बड़ा क्यों ना, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, कुछ भी हो, अगर हम जीरो से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर कितना आ जाता है, जीरो ही आ जाता है, ठीक है। तो जब हम यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो हमारा जो आंसर होगा वो जीरो आ जाएगा। तो ये सिंपल हो जाएगा, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस में 3xyz इक्वल टू जीरो। जीरो का इससे मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आ गया हमारा जीरो। अब हम क्या करना है, सिंपल हमको शो क्या करना था कि एक्स का क्यूब, वाई का क्यूब और जेड का क्यूब किसके इक्वल में हो, 3xyz के इक्वल में हो। तो ये 3xyz को हम लोग इक्वल के उस साइड में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स का क्यूब, वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब इक्वल के उस साइड में, ये जो हमारे माइनस में था ये इधर जाकर के प्लस में हो जाएगा। तो प्लस की साइन लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख लो 3xyz। और यही तो हमको प्रूफ करना था, और तो कुछ करना ही नहीं इस क्वेश्चन में, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। बस आपको यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करना है और जीरो से मल्टीप्लाई करके आंसर को जीरो ले आना है, बस इतना ही काम है। 2 मिनट का क्वेश्चन है, आप अगर प्रैक्टिस किए रहोगे ना तो 1-1.5 मिनट में इसको बना करके आप एग्जाम में साफ कर दोगे, ठीक है। अभी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, फिर से थोड़ा सा मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। हमको एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो दिया हुआ था, ये हमारा आइडेंटिटी है, हमारा फॉर्मूला है। तो उसमें जहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड है ना, वहाँ पर आप जीरो लिखोगे तो आपका ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, इक्वल में पूरा जीरो हो जाएगा। तो हमको लाना क्या था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब जो है हमारा 3xyz लाना था। ये हमको क्वेश्चन ही बोला गया था कि इसी को आपको शो करना है। तो हम ये जो 3xyz यहाँ पर हमने जो लाया ना, उसको हम राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, तो ऑटोमेटिक जो है हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 14, उसे मैं आपको इसी तरीके से सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।